खेल संग्राम में आपका स्वागत है। आईपीएल सीजन 9 के 36वें दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात लॉयंस को 144 रन के बड़े अंतर से हराया। गुजरात लॉयंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु के ओपनर क्रिस गेल का खराब फॉर्म जारी रहा। गेल को सिर्फ 6 रन पर धवल कुलकर्णी ने बोल्ड किया, लेकिन इसके बाद विराट और डिविलियर्स ने गुजरात लॉयंस के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 16 ओवर में रिकॉर्ड 229 रन जोड़े। विराट कोहली ने 55 गेंदों में 8 छक्के और 5 चौके लगा 109 रनों की पारी खेली। कोहली को आखिरी ओवर की 5 गेंद पर प्रवीण कुमार ने ब्रावो के हाथों कैच कराया और अगली गेंद पर प्रवीण कुमार ने वॉटसन को शून्य पर विकेट कीपर कार्तिक के हाथों कैच करा चलता किया। एबी डिविलियर्स 52 गेंदों में 12 छक्के और 10 चौके लगा 129 रनों की पारी खेल नॉट आउट रहे। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 248 रनों का विशाल स्कोर बनाया। प्रवीण कुमार ने 2 और धवल कुलकर्णी ने 1 विकेट चटकाया। जवाब में उतरी गुजरात लॉयंस की शुरुआत खराब रही। ओपनर डेविन स्मिथ सिर्फ 7 रन बना, अरविंद की गेंद पर बोल्ड हुए। मैकॉलम को 11 के स्कोर पर चहल ने डिविलियर्स के हाथों कैच करा लॉयंस को दूसरा झटका दिया। दिनेश कार्तिक भी सिर्फ 2 रन पर जॉर्डन की गेंद पर डिविलियर्स के हाथों कैच हुए और अगली ही गेंद पर 19 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे रविंद्र जडेजा को जॉर्डन ने अपनी ही गेंद पर कैच कर लॉयंस को चौथा झटका दिया। इसके बाद ब्रावो 1, आकाशदीप 3, प्रवीण कुमार 1 और धवल 2 रन पर आउट होते गए। 38 गेंदों पर 37 रन बनाकर खेल रहे अरोन फिंच को सचिन ने अरविंद के हाथों कैच करा लॉयंस को नौवां झटका दिया और अगली गेंद पर शिविल कौशिक बिना कोई रन बनाए सचिन की गेंद पर अरविंद के हाथों कैच हुए। इसी के साथ गुजरात लॉयंस 18.4 ओवर में ही 104 रन पर ऑल आउट हुई। प्रवीण तांबे 9 रन पर नॉट आउट रहे। इस जॉर्डन ने 4 विकेट झटके, भाई चहल ने 3, सचिन ने 2 और अरविंद ने 1 विकेट चटकाया। सिर्फ 52 गेंदों में 129 रनों की धमाकेदार पारी खेलने वाले एबी डिविलियर्स मैन ऑफ द मैच बने। अगला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।